बड़े प्यार के आप जी जितने भी बैठे हो, सब तो पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरिया गुरु गोबिंद जी सारे बहुत बहुत बधाई। बंदी छोड़ दिवस भी जो 5 तारीख को लग्या वे ओदी भी बहुत बहुत बधाई आप सारे। गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन जबलपुर विखे गुरु साहिब जी तरस करके लैके आए ने, इतने बहुत सेवा होंगी गुरु साहिब जी की। भाई जसप्रीत सिंह जी जबलपुर वाले तो जितना समा दसा गरीबा बोल रहे तकरीबन 1.25 घंटे का समा वे सारे बड़े प्यार आप जी जितने भी बैठे हो ये बेनती थोड़े चरणों में कि नाल नाल जपियो थोड़ी भी हाजरी लगे दसा गरीबा की भी हाजरी लगे। बड़े प्यार में कोई भी रसनाबाजी ना रहे, बड़े प्यार के आप जी थोड़ी देर सिमरन फिर वो बाद जिम्मे गुरु साहब की सेवा लैन उस अपना मन बंदी छोड़ दिवस में समर्पित बाबा जी सेवा लै लैन। बड़े प्यार में आप जी नाना जी सारे वाहेगुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु 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 सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु
सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु 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 सतगुर बंदी छोड़ है। ये शब्द इस करके उसरा गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरियाई गुरपुरब, लेकिन 5 तारीख नूं बंदी छोड़ दिवस गुरु साहिब जी की कृपा दे नाल साडी 6वें पातशाह दे चरणां विच भी हाजरी लगे, इस करके फिर शब्द बाबा जी के चरणों में अरदास है कि बाबा जी आप जी का दूसरा नाम बंदी छोड़ के डावे, आप जी सब दे बंधन कट दो, तरस करो साढ़े भी बंधन कटो, कोई भी रुकावटा ने कोई भी कमियां ने आप जी जानी जानो बाबा जी, साढ़े कर्मा करके अगर सानू कोई दात नहीं मिल रही, साढ़े कोई किते पाप साढ़े कोई किते अवगुण करके साड़ी रुकावटा बनिया हुई ने जीवन च, आप जी बाबा जी 52 राजिया के बंधन कट सकते हो, असि ते तुहाडे आ सारे आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, आप सारे ने इतिहास पता वे बंदी छोड़ पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी महापुरश बचन करते सी, कहते जो डॉक्टर होंगे ना डॉक्टर वो जेल में जाता वे इलाज करन, एक कैदी होंदा है वो भी जेल में जाता है वो सजा कटन भी जाता है, और डॉक्टर इलाज करन दी कैदी लिए बूए नहीं खुले होंगे उन्हें लॉकअप च रखा जाता है, डॉक्टर अगर इलाज करन आया भावे एक गेट भावे 2 गेट ने भावे 3 गेट ने सारे गेट खोलते जाते हैं बिना रोका टोकी, एवें ही 6वें पातशाह अगर बाबा जी ने ग्वालियर के किले 40 दिन व्यतीत किए, आप यह ना सोचिए अपनी भावना छोटी ना रखिए कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जेल में गए, बाबा जी जेल में नहीं गए, डूंगियाई में जाइए बाबा जी ने एक भोरे में गए 40 दिन में, भोरे में जाके अपनी भी बंदगी अपना भी जब तक बाबा जी ने उत्थे अपना भी अभ्यास वो कीता, कुछ पुकारा सरदारिया कि बाबा जी साढ़े भी बंधन कटो, पता नहीं होंगे कदों कि फरियाद सुनी जाए, इतिहास वाल झाती मारी है ना तो खारा पानी पीना बहुत औखा है, बड़े ध्यान न सुनना आप जी, राजा नू खारा पानी दिता जाता है, एक होंगे आप अजकल फिल्टर वाटर पीने हल्का सा मिट्टी का भी किनका आ जाए या नमक आप पा के पी भी है कोई बीमारी है कदे कदे पी रहे गल वक्री है, रोज अगर नमक वाला पानी पी रहे हैं डॉक्टर भी कहते हैं हड्डियां गलना शुरू हो जाती है, वो नमक वाला पानी राजा जो कैद सन 52 राजे उन्होंने पिलाया जाता है, आटा होता सी ना आटा जो प्रशादे पकाए जाते सन आटे के अंदर रेत मिला की जाती सी, तुसी देखो जो तुसी रोटी खाओ तो जो खुद ही आप ही देखो नहीं भी खा रहे तो किरक आ जाती मूँह में रेत की किरक, कितना बुरा लगता है सानू खाया नहीं जाता, इंज के आटे की रोटी वो राजावां नूं दित्ती जांदी सी, इतिहास इतना तक आया है कि उन्होंने पानी भी पूरा सूरा दिता जाता सी, वो इशनान भी नहीं करते, कितना समा उन्होंने इशनान नहीं किया, केस
जटावा बन गईयां, सिर ते जुआ पै गईयां, शरीर ते जुआ पै गईयां, खुरक होना शुरू हो गई। इतना ज्यादा उन्होंने पीड़ित किया जा रहा है। वो कौन सी पीड़ा, कौन से राजे की पीड़ा छेवें पातशाह के चरणों में पहुंची, तो छेवें पातशाह ने आप बिद बनाई। बाबा जी आप ग्वालियर के किले में गए, गए क्यों? राजावां दी पुकार सी। हुण एक चीज होर सुनियो, जितने भी राजा सन उहदे विच कोई भी सिख नहीं, सारे कोई हिंदू या फिर कोई इस्लाम धर्म दे। हुण तुसीं सोचो एक हिंदू राजा, एक इस्लाम दा राजा धर्म दा, उहदी पुकार गुरु हरगोबिंद साहिब जी सुन रहे ने। असीं ते सिख हां, सानूं ते मान है गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे उपर, सानूं ते टैग लगा है, सानूं ते बाबा जी दी संगत प्राप्त है। साडी गुरु हरगोबिंद साहिब जी नहीं सुनांदे, सुनांदे ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे प्यार नूं सारे जुड़ के बैठे हो, शब्द पढ़े हो, फिर कुछ विचार बाबा जी सेवा लैन। कोई भी रसना बाजी ना रहे, तुहाडे चरणां विच बेनती है। पता नहीं किन्नी पुकार गुरु हरगोबिंद साहिब जी सुन लैन ते साडे भी बंधन कट दे। और बंधन ऐ नहीं कि राजा अगर किले विच सन ते उहनां दे बंधन सन, साडे उपर भी बंधन ने, काम दा, क्रोध दा, लोभ दा, मोह दा, अहंकार दा, ये बंधन ही ने। ये बंधन गुरु हरगोबिंद साहिब जी कट सकदे ने। आलस दा बंधन, ईर्खा दा बंधन, नफरत दा बंधन, किसी की चढ़ती कला ना जर पानी, ये भी बंधन, और बहुत सारे बंधन गुरु साहिब की कृपा करन। सबनों अपने अपने अवगुण पता ने, अपने अवगुण अपने अगे ले आओ ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों में रख दो कि बाबा जी मैं अवगुण नहीं त्याग सकता, मेरे बस में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तुसी चाहो तो कृपा करके मेरा बंधन कट सकते हो, जिवें राजावां दे बंधन कट्टे ने ते साडे भी कट सकते। बड़े प्यार ईश्वर पड़े हो। सतगुर बंदी छोड़े है, सतगुर बंदी छोड़े मरीना। सतगुरे पावन चंद
सतगुरु बंदी छोड़े
बंदी छोड़ दिवस लंघिया वे ते गुरु साहिब जी की कृपा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी दा गुरियाई गुरपुरब भी है उन्हों समर्पित सारा समागम आप जी असीस लैन नहीं आए हैं सीस आप जी देके भेजे हो जितना समा दसा का बाकी है उतने में आप समाप्ति कर देंगे क्योंकि फिर उधर भी समागम है गुरुद्वारा हाथी ताल उत्थे भी आप सबने हाजरी भरनी ते इतिहास विच आया बड़े ध्यान नाल सुनियो एक भाई बदली जी बदली सोडी जी ते एक भाई गोपाल जी दो नाम आए ने इतिहास विच छेवें पातशाह वेले होए ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी वेले बड़े ध्यान नाल आप भी सुनियो इतिहासिक जी करे इतिहासिक साखी है छेवे पातशाह समर्पित सारा समागम बंदी छोड़ दिवस इतिहास में दो नाम आए ने भाई बदली सोडी जी ते भाई गोपाल जी बहुत जप तप सी बहुत कृपा सी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे कोल श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब गए अकाल तख्त साहिब नमस्कार कीती नमस्कार करने के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा जी ने वचन किया छेवें पातशाह जी भाई बदली सोडी जी ने भाई गोपाल जी ने कहते बाबा जी साडा बड़ा नेम है साडी बड़ी बंदगी है असी कीर्तन भी कर लेंगे लेकिन बाबा जी अंदर शांति नहीं है बड़े ध्यान ना सुनो कई बार साडा नेम बहुत होता है बंदगी बहुत होती है सेवा बहुत होती है कालना बहुत होती है लेकिन अंदर शांति नहीं आती वो क्यों
किधरे ना किधरे रुकावट होती है, किधरे ना किधरे कोई कमी होती है। वो कमी कोई पूरे महापुरुष दस सकता है, गुरु साहब ही दस देते हैं। हुण गुरु साहब जी असीं सोचांगे बाबा जी शरीर करके तो है ही नहीं, हाजर नाजर गुरु ग्रंथ साहब जी जो सहज पाठ कर लेते हैं वो अगर हुक्मनामा ले लें और हुक्मनामे की समझ होए वो भी फिर हरगोबिंद साहब जी नाल करना ही है। उन्होंने आके बेनती की भाई बडली सोनी जी ने भाई गोपाल जी ने कि बाबा जी आप जी की कृपा के नाल बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी कामना है, बड़ा जपता है, लेकिन बाबा जी अंदर शांति नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब जी वचन किया उन्होंने कहते कोई खूह होए, बड़े ध्यान से सुनना जी, कहते कोई खूह होए साफ सुथरा होए, पानी भी होए, सब कुछ होए, पक्का होए, साफ सुथरा होए, मजबूत होए, उसके अंदर जल भी होए, हुण उसके अंदर एक कमी रह जाए, वो कमी की कहते कोई मरी हुई बिल्ली उसके विच सुट दे। कोई हरगोबिंद साहब जी ने बद्दी सोडी जी ने भाई गोपाल जी ने कहा कहने कोई मरी हुई बिल्ली उसके विच सुट दे, तुसी दसो कि उस खूह का पानी आप ही छक सकोगे, इतिहासिक वचन है। कहते वो पक्का भी है, मजबूत भी है, पानी भी है उसके विच, सब कुछ है, हर चीज का प्रबंध है, लेकिन बस एक कमी है, वो कमी की है मरी हुई बिल्ली उसके विच किसी ने सुट दी है। तो कहते बस यही तुहाडे अंदर एक कमी है। कहते बाबा जी समझे नहीं, कहते तुहाडा जपतप भी बहुत है, तुहाडी बंदगी भी बहुत है, तुहाडी कारना भी बहुत है, तुहाडी सेवा भी बहुत है, लेकिन तुहाडे अंदर एक हौमे की बिल्ली अंदर मरी पई है। सारे आखो वाहेगुरु, हौमे रूपी बिल्ली अंदर ना मरी पई है, जब तिकन वो बाहर नहीं कढोगे तब तिकन आप जी रस नहीं आएगा, तब तिकन आप जी जितनी भी घर ना कर लोगे थाई नहीं पड़ेगी। क्यों? बाणी में कहती होमे नावे नाल विरोध है, दो ना बसे एक ठाए, होमे विच सेवा ना होई ता मन बिरथा जाए। हुण जिवें कृपा ने आप जिन्होंने अमृत छके उन्होंने कृपा ना पहनी हुई है, कोई सीढ़ी साहब हो बड़ी एक म्यान के अंदर दो तलवारा नहीं रह सकदियां, दो कृपाना नहीं रह सकदियां, दसो एक म्यान है, इहदे अंदर इक्को ही कृपान आ सकदी, दूजी नहीं आ सकदी। इवें ही एक जगह ते दो चीजां इकट्ठी नहीं रह सकदियां, बाणी कह रही है होमे नावे नाल विरोध है, दो इना वसे इक ठाए, दोनों चीजां इक जगह नहीं रह सकदियां, होमे और नाम दो चीजां कठिया एक जगह नहीं रह सकदियां, अगर होमे होएगा तो नाम नहीं होएगा, और जिथे नाम होएगा जिथे रस होएगा नाम का फिर होमे दूर दूर रहती है, फिर वह होमे नजदीक नहीं आती। होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, होमे विच सेवा ना होई, होमे विच फिर सेवा नहीं होगी, होंदा की है ता मन बिरथा जाए, फिर जितनी भी घालना आप करते हैं ना वो फिर व्यर्थ जा रही, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज न सब तू ज्यादा अगर बुरी चीज लगती वह वे होमे, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सब तू भैड़ी चीज जो लगती वह होमे, कामी गवाह न बख्शिया गया, क्रोधी गवाह न बख्शिया गया, लोभी गवाह न बख्शा गया, लेकिन हंकारी नहीं बख्शा गया। तो इस जगह से जबलपुर अज मैं दर्शन नहीं किए, मैं सुनिया कौडे राक्षस का स्थान, कौडा राक्षस कितना पाप कमाया उन्हें, कितने लोगों को खाया उन्हें तल तल के, आप समझो इतिहास पता है। इस जबलपुर च स्थान है जिथे गुरु नानक देव जी ने कौडे राक्षस नू तारिया है, हुण तुसी सोचो कितने लोगों नू उन्हें मार के खाया होगा, लेकिन फिर भी बख्शिया गया, उदे याद विच गुरुद्वारा बनिया, गुरु नानक देव जी ने आप उत्थे चरण पाए, जदों भाई मरदाना जी आए ना ते जदों भाई मरदाना जी नू भी उह तरन लग्या कड़ाए विच, ते भाई मरदाना जी लीला होंदी सी गुरु नानक देव जी दी, जदों तरन लग्या ते फिर गुरु नानक देव जी ने ऐसी कृपा ऐसी मेहर कीती कौडे राक्षस नू भी बाबा जी ने तार दिता। सोचो
इतने अवगुण इतने लोगों नु मार आया, फिर भी गुरु नानक देव जी ने तार दिता। हुण इक वे हंकारी, तुसी इतिहास पढ़िया पेंडे खान, उहदे मापिओ नहीं सन, उहनू गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप पालिया बचपन तो। पेंडे खान जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पालिया ना, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सारे जितने भी पैतरे सन, भावे घोड़ सवारी सी, भावे शस्त्र विद्या सी, भावे ग्रंथ विद्या सी, भावे किसी भी तरीके की शस्त्र विद्या सी, उह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पेंडे खां नूं आप सिखाई गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। हुण जब तिकन अन्न गुरु साहिब जी ने बख्शिया हुआ खा लिया सी, तब तिकन मन साफ सी। जिवें कहिंदे ना, जैसा अन्न तैसा मन। जब तिकन चंगा अन्न खा लिया सी, तब तिकन छेवें पातशाह दे कोल समर्पित सी। एक समा आया जदों वड्डा हो गया ना, ते फिर संगत माड़ी मिल गई। संगत दा बहुत असर होंदा, इस करके बहुत सोच समझ के संगत करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहिंदे, कबीर साकत संग ना कीजिए, दूरो जाइए भाज। कोई साकत होता दूर तो भज जाओ, भावे झूठ भी बोलना पर निकल जाओ। साकत की संगत इतनी भारी है, इतनी भैड़ी है। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूरो जाइए भाज। आप ते डुबदा है, सामने वाले ने भी डुबो देना है। क्यों? उन्हें आप तो संगत करनी, आप ते नाम जपना नहीं, तो जो जपना है उन्होंने भी तोड़ देना वे। पेंडे खां नूं माड़ी संगत होगी, पहले गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिन्होंने पालिया, फिर माड़ी संगत होगी। जो माड़ी संगत हुई ना, उही पेंडे खां गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं एक हंकार विच, एक दूजे रूप विच कहिंदा है, कहिंदा छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, अगर आप जी पूरे हो ना, देखो ये साड़ी रचना नहीं कह सकती। जिदे कोलो दात लई, जिदे कोलो सारा कुछ सिखिया, उन्हां नूं जवाब दे के कह रहा वे की कह रहे, कहिंदा अगर गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज तुसी पूरे हो, तो आओ मेरे नाल दो हाथ करो, मेरे नाल तलवारबाजी करो। पेंडे खां कौन? जिन्हों गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पालिया, वड्डा कीता, क्योंकि लवारिस सी, मापिओ नहीं सन, सारा कुछ सिखाया। सिखाण दे बाद उही पेंडे खां अकीर्तकन हो गया। अकीर्तकन सब तों भाड़ा, सब तों भैड़ा अकीर्तकन। जदों धरती की पुकार सी ना, गुरु नानक देव जी दे कोल धरती गई है, ते ये भाई गुरदास जी दी वार ते मैं उहदा नां जावां, बाबा जी ने गुर धरती दी और गुरु नानक देव जी दी आपस विच गल्लां होईआं ने, उहदे विच छे कारण दस्से ने। आप जी भाई गुरदास जी दी वार भरिओ, मैं तुहानूं एक पंक्ति अद्धी पंक्ति दस दिंदा, आप जी खुद सर्च कर लिओ आई ग्रंथ च, कि गुरु नानक देव जी महाराज जदों धरती ते नहीं आए ना, ते धरती उपर गई है गुरु नानक देव जी दे कोल, ते जाके रोई है गुरु नानक देव जी दे चरणां विच। अजे गुरु नानक देव जी आए नहीं सन, ते गुरु नानक देव जी जाके बेनती करदी, कहिंदे बाबा जी आप जी कृपा करो, तुसीं धरती ते आप चलो। ते गुरु नानक देव जी ने छे कारण बोले, कहिंदे तेरे कारण की ने जो तू मैनूं धरती अपने उपर अपने मात लोक विच बुला रही है। फिर उहदे विच इक कारण है वी गुरु नानक देव जी ने बोलिया वे कि पहाड़ां दा वजन बहुत हो गया, इक कारण नदियां दा वजन, इक कारण समुंदर, इक कारण वनस्पति, इक कारण जीव जंत। पूरी आप जी पंक्ति पढ़ियो, मैनूं विसर गई है, मैं आप जी नूं दस दांगा। ते आखरी पंक्ति यह आती है, ना तिस भारे पर्वता असमान खां जी, यह पंक्ति आती ना तिस भारे पर्वता असमान खां दे, ये भाई गुरदास जी की वार है। ते उहदे विच सारा कुछ दर्ज किया, आखरी विच धरती कहती है, कहते बाबा जी मैं सब का वजन झेल सकती हाँ, सब का वजन झल सकती हाँ, सिर्फ एक अकीर्तकन का वजन नहीं झल सकती। अकीर्तकन कौन होंगे ने? अकीर्तकन ओ पेंडे खां वर्गे, अकीर्तकन ओ गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की खातिर अपना बलिदान दिता। अज अगर किसी की वड्डी पूजा होनी चाहिए सी, वह गुरु तेग बहादुर जी की होनी चाहिए सी, लेकिन बहुत सारे हिंदू वीर प्यार भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदुओं ने गुरु तेग बहादुर जी को विसार दिता। जिन्होंने विसारिया वो अकीर्त कर रहे, क्योंकि अगर गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान ना दिता होंदा, अज शायद मंदिर ना होंदे। अगर गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान ना दिता होंदा, तो अज टीके ना लगाए गए होंगे। अगर गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान ना दिता होंदा, तो लोग मोली ना बन पाते, हाथ च जनेऊ ना धार कर पाते। ये तुहानू सारे इतिहास पता, मैं उदा ना जावा। अकीर्त कन सब तू भैड़ा है, कदे अकीर्त कन ना बनी। जिवें कहते ना, दात प्यारी विसरै दातारा, गुरु साहिब जी के चरणों में आना, दात मंगनी है, अगर मिल जाए
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਦਾਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਐਨੀਮੇਟਡ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਵਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲਬਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਤਨੇ ਪੈਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਤਨੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਛੱਡਤੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜੋ ਅਕੀਰਤਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੇ ਕਲਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਲਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਲਾਮਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰਦੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸਹਿਤੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, 5 ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਨ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ 12:15 ਵਜੇ, ਕੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਬ ਤੀਕਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਜਦ ਤੀਕਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜਣੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ,
जिंदगी है तुसी जीना है तो तुसी दिल्ली दी धरती ते चले जाओ। अंदर वैराग आ गया माता साहिब कौर जी ने, जदों वैराग आया तो वैराग इस कहने कहने बाबा जी मेरा ते नेम है। कहने की नेम है तुहाडा? कहने बाबा जी मैं राती उठदी आ तुहाडी कृपा दे नाल नेम करदी आ, 5-6 घंटे जो भी आप जी सेवा लैंदे हो ओहदे बाद आप जी दे चरण स्पर्श करके आप जी नूं सेहरा पहना के आप जी दे दर्शन करके आप जी नूं कुछ छका के फिर मैं कुछ छकदी आ। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते कहते नेम किधर नहीं जाता। इतिहास ही तो है बाबा जी ने अपना निजी शस्त्र कढ़िया जो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने कोल रखते थे। इतिहास ही तो है कि माता साहिब कौर जी को शस्त्र दिता, शस्त्र देके कहते कहते दिल्ली चले जाओ, जाके शस्त्र का आसन लगायो, जिवें रोज आप जी 12:15 बजे उठते हो एवं ही नेम करो, अगे पर्दा कर देना। जदों सवेरे 6 बजे ना जिवें इत्थे आप जी सारी क्रिया सारा अपना नेम कर दो, एवं ही सवेरे 6 बजे पर्दा हटायो, उस शस्त्रां विच तुहानू दर्शन दांगे सारे आपको एक रूप। एक इतिहासिक वचन है, अज भी वह शस्त्र है ने, कहिंदे दिल्ली विच जाओ गुरुद्वारा बाला साहिब, अज भी उत्थे शस्त्र ने माता साहिब कौर जी जो लैके गए। इतना प्यार किया गुरु गोबिंद सिंह ने शस्त्रां दे नाल। असीं कई बार सोचते हैं अमृत छकन की लोड़ नहीं, छोटे छोटा शस्त्र पहन लिए, कई बार कंघा इहदी भी टाइम घट है। ये साखी भी मेरी रह गई, 1200 वाली मैं पूरी करनी सी, मैं गल पूरी कर देवा। एक कंघा है ना, कंघा जो बाबा जी ने वैसे कहा है कंघा दोनों वक्त कर, अगर दो नहीं मैं गल नहीं बोल रहा, 6वें अपना गुरु गोबिंद सिंह जी ने रहनामे में कहा उस वक्त 2 टाइम कंघा किया जाए, लेकिन अगर आप जी 2 टाइम नहीं तो घट पर 1 टाइम कंघा जरूर करो, सवेर के टाइम जरूर करो। बहुत सारे बचन प्रति मैं याद आ रहे, लेकिन टाइम पूरा सो गया, मैं अगे नहीं जाना चाहता। तो कंघे विच भी ताकत है, जो कंघा वे ना ये भी ताकत है, ये लक्कड़ का कंघा होना चाहिए। अगर तुम तो कई केस भारी होंगे ने, बड़े होंगे ने, तो छोटा कंघा होंगे ना, कई बार कंघा आप नहीं कर पाते, लक्कड़ की अजकल कंघी आ गई, लक्कड़ की कंघी ले लो। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं वरतनी चाहिए सिर पर, क्योंकि प्लास्टिक में जूठ बनया गया, वो जूठी चीज़ा ना बनी। आप भी पढ़ो ना कदम नेट पर सर्च करो प्लास्टिक किए बनती है, तो जितनी गंद मंद होंगे ना वो सारा इकट्ठा किया जाता, वो प्लास्टिक बनाई जाती है, वो फिर असं अपने सिर पर करते हैं, वो फिर पवित्र नहीं बनेगी, लक्कड़ को पवित्र बनेगी। इस करके गुरु गोबिंद सिंह लक्कड़ का कंघा किया, जो कंघा नहीं करते सिर पर कंघा जरूर कर। बहुत सारे बचन एवं ही कड़ा सानू बाबा जी ने दिता वे, जिन्होंने कड़ा नहीं धारण किया हो कड़ा पहनो, कोशिश करो कड़ा जो है वो सीधे हाथ च ही होए, उल्टे हाथ च ना। अगर दो पहनने हैं तो भावें दोनों हाथों से पहन लो, अगर एक पहनना है तो सीधे हाथ च हो। उसका कारण है, कारण यह है कि असं वध तो वध काम सीधे हाथ नाल करते हैं। जदों भी जो कड़ा होंदा वे ना, कड़ा सानू याद दिला दिंदा वे कि यह माड़ा वे, ये चंगा वे। बाबा जी ने जो चीज़ दिखी सोच समझ के दिखी, भावें गंगा होए, भावें कड़ा होए, भावें कृपान होए, भावें कछहरा है, भावें केस, बाबा जी ने केस नाल केस की भी कोशिश करो घर में रोज सिर टकिया हो, जो प्रशादा पकाना है ता भी, प्रशादा छकना है ता भी, जल छकना है ता भी, सोना है ता भी। अगर किसी को शर्म आ गई ना छोटी केस की आप बन लेंगे, तो अगर तुम्हें शर्म है जिम्मे माता जी ने बंदी है, तो शर्म है बाहर बंदे हुए, तो भावें ना बाहर बंदो घर तो आप शुरू करिए, घर में सानू कोई नहीं देख रहा, घर में छोटी केस की सजा दी है, साडा सिर टकिया है, वो भावना है बना ली केस की ना, माता साहिब कौर जी ने साडे सिर ते हाथ रखे। जितना प्यार असी, जितना सत्कार असी शस्त्रां दा करांगे, उतना प्यार साडा गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल बढ़ेगा। क्यों? गुरु गोबिंद सिंह ने शस्त्रां नाल आप प्यार किया, इस करके आप शस्त्रां नाल प्यार करिए। मैं वापस उत्थे आ जा बदली सोडी, क्योंकि समा बहुत घट रह गया, 5 मिनट का समा रह गया। बदली सोडी ते भाई गोपाल जी 6वें पातशाह कोल आए ते उन्होंने वचन कीता, बाबा जी साडा मन नहीं टिकदा, ते बाबा जी ने कहा खूह सारा तैयार है, पक्का है, मजबूत है, लेकिन ओहदे विच मरी बिल्ली पाई पी दा ते जल छकर योग नहीं रहिंदा। कहिंदे एवें तुहाडी हर चीज कृपा वे, लेकिन हौमे रूपी बिल्ली ओह अंदर आप जी दे पई हुई है, इस करके तुहाडा मन नहीं टिकदा।
फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बाबा जी ਨੂੰ ਬਾਈ ਬੰਨੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਮਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਾਏ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆਪ ਜੀ बाबा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा कहने कोई फील्ड होए जिवें कोई हॉकी का मैदान है कोई क्रिकेट है कोई टेबल टेनिस है कोई मुकाबला कोई कॉम्पिटिशन है उत्थे आपकी पूरा यतन पूरी मेहनत सब कुछ करो ते जीतने की कोशिश करो कहने जदों तुसीं धार्मिक स्थान ते आओ ना बड़े ध्यान नाल सुनना मैं आखिरी बचन बोल के समाप्ति कर रहा जदों तुसीं धार्मिक स्थान ते आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਲਾ ਬੰਨ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਗੜ ਬੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਰੰਗੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦੋ ਬਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਾਇੰਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਸਦਾ ਇੰਤੇ ਜੀਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਕਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਰਖਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇ ਨੀਵੇ ਚਲੋ ਮਦਰ ਗਿਰਾ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਦਲੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇ ਨੀਵੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੀਵੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨੀਵੇ ਚਲੋ ਮਦਰ ਗਿਰਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲੋ ਮਦਰ ਗਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੌੜੇ ਵਚਨ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਕੌੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੂਨ ਕੱਟਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਨ ਕਲਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਹਨੁਮਾਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਰਾ ਮਨ ਉਹੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਦਰ ਗਿਰਾ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਖੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਰੁੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬਾਤ ਗਈ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਵਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੀ, ਕੰਧਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਗਲਾ ਆਵੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੇ। ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਬਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਭਰਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਰੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਦੋ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 8 ਤੋਂ 9 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਥੀ ਕਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਸੂਜਾ ਸਿੱਟੀ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ 12:15 ਤੋਂ 1:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਥੀ ਕਾਲ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਤੋਂ 11 ਹਾਥੀ ਕਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ